Excellence Online. Subscribe to our channel now for more educational videos and press the bell icon for more updates. Bismillahir Rahmanir Rahim. Welcome to Excellence Online platform. Our today's topic is HSK Level 1 Chapter 4. This is our fifth video of the series. Is chapter mein hum kuch dialogues padhenge which are very easy. The first one, who is she? ये कौन है? दो लोग आपस में बात कर रहे हैं टीवी सॉरी मॉनिटर कंप्यूटर पे, उन्होंने कुछ देखा तो एक दूसरे से पूछ रही है कि हु इज शी, और उसके जवाब में बी कहती है शी इज माई चाइनीज टीचर, और उसका नाम भी बताती है शी इज कॉल्ड ली यूए. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज शी, इसे चाइनीज में क्या कहते हैं? लेट्स बिगिन. दोस्तों पहले विकेबलरी कर लेते हैं कि हु मीन्स कौन, कौन को चाइनीज में क्या कहते हैं? शे, शे, शी इज, ता, ता कोई लड़की हो, इंग्लिश में हम शी यूज करते हैं, शी इज माय सिस्टर, ता श, ता ता, चाइनीज को हाई यू, हाई यू, दिस इज एक्चुअली चाइनीज लैंग्वेज हाई यू. अपने पिछली वीडियो में हमने कहा था कि चाइनीज पर्सन को कहते हैं छुंग वो रन, चाइनीज लैंग्वेज को हाई यू. दोस्तों एक चौथी चीज है जिसे द, द प्रोनाउंस करेंगे सेंटेंस में हम समझ सकेंगे कि द की यूसेज क्या है. दोस्तों द फर्स्ट क्वेश्चन, ता श शे, ता शी, हु इज शी, ता श शे, ता श व द हां यू लाओ श, ता श व द हां यू लाओ श, ता जाओ ली यूए. She is my Chinese teacher. She is called Li Yue. Once again, Ta Shi Shi, Ta Shi Wo De Hangyu Lao Shi, Ta Jiao Li Yue. Ta Shi Shi, Ta Shi Wo De Hangyu Lao Shi, Ta Jiao Li Yue. Dialogue 2 of Chapter 4. इस डायलॉग में दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं. वन पर्सन आस्क्स अनदर, व्हिच कंट्री आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ के हैं? Answer, I am from America. And what about you? The person answers, I am from China. So let's see how it is said in Chinese. The first word, which, concern. Na, na. Dosto, this is with third tone. Na, na. Then is guo, guo, which means country. So, na guo. Na guo, which country? And na, this is when a question is repeated. For example, one person says, I am a doctor, and you? In Chinese, they will say, Wo shi yi sheng, ni na? Wo shi lao shi, ni na? I am a teacher, what about you? In a question, ni shi na guo ren? Na guo, which country? Na guo ren, which country person? Ni shi na guo ren, you are which country person? Or where are you from? Wo shi, wo means I. Wo shi mei guo ren, I am American. Wo shi mei guo ren, ni na, what about you? Good. Wo shi chung guo ren, wo shi chung guo ren. जिसने पहले सवाल पूछा था कि निशन नाग वॉरन, वो आंसर कर रही है कि वो श मेक वॉरन, आई एम फ्रॉम चाइना. नेक्स्ट डायलॉग 4.3, इसमें ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं. हु इज ही इज माई क्लास फेलो, एंड शी, हु इज शी, इज शी योर क्लास फेलो? नो, शी इज नॉट माई क्लास फेलो, शी इज माई फ्रेंड. दोस्तों देखते हैं कि चाइनीज में ये बातें किस तरह की जाती हैं. द फर्स्ट वर्ड ही, हमने शी के लिए वर्ड सीखा था ता, ही को भी ता कहते हैं, लेकिन चाइनीज में लिखेंगे जरा मुख्तलिफ अंदाज में. द नेक्स्ट वर्ड इज क्लासमेट, क्लासमेट, सॉरी पहले ही सीख लेते हैं, ही को ता, ता, टोन, फर्स्ट टोन. क्लासमेट इज थोंग शुए, थोंग शुए, बोथ ऑफ देम आर विद सेकंड टोन, थोंग शुए. फंग्यो, फंग्यो मीन्स फ्रेंड. क्वेश्चन, ता श शे, ता श शे, Who is he? Who is he? Ta shi wo tong shui. Ta shi wo tong shui. He is my classmate, class fellow. Hum jamaat hai. Ta na, dusre ki taraf ishara karke ta na, aur ye, ta shi ni tong shui ma.
क्या ये भी आपके तोंगशुए हैं, क्या ये भी आपके क्लास फेलो हैं? ता बूशो व तोंगशुए, ता बूशो व तोंगशुए, ये नहीं है मेरे क्लास फेलो, ताशो व फंग्यो, ये तो मेरे दोस्त हैं, ताशो व फंग्यो। दोस्तों इस चैप्टर में ग्रामर के चंद पॉइंट्स हैं, उनमें से पहला है कि शे शे जिसका मतलब होता है हु, इसके इस्तेमाल कैसे करते हैं, सेंटेंस इससे किस तरह बनेंगे। तो दोस्तों देखें आपको स्क्रीन पे चाइनीज टेक्स्ट नजर आ रही है, शेष ली हुए, शेष ली हुए, गुड। हमारे पास पेनिन भी आ गई तो आप पढ़ना जरा आसान हो जाएगा, शे श ली हुए। अगर शे का मतलब है कौन और ली हुए किसी का नाम है तो पूरे सेंटेंस का मतलब क्या होगा, शेष ली हुए, कौन है ली हुए और हु इज ली हुए, ली हुए कौन है। वेरी नाइस दोस्तों, ये जरा पढ़ने की कोशिश करें, ता श शे, ता श शे, हु इज ही, ये कौन है, हु इज ही, नी श शे, आप कौन है, वो श शे, मैं कौन हूं, वमन श शे, हम कौन है। इस केस में ता श शे, ये कौन है, एंड दिस इज अ क्वेश्चन फॉर ही नॉट फॉर शी, दिस वन ता श शे, दिस इज फॉर शी, हु इज शी, ता श शे, गुड। ग्रामर में सेकेंड पॉइंट है ना, ना, ना का इस्तेमाल दोस्तों सेंटेंसेस में देखते हैं, ना बंशु, ना बंशु दैट बुक, वो वाली किताब, नॉट दिस वन, दैट वन, ना बंशु। दोस्तों ये बीच में बन बन क्या आ रहा है, इसे हम अपनी अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे बन को डिस्कस नहीं करते बल्कि शू पे आ जाएं। अपनी समझ के लिए सिर्फ इतनी सी बात ध्यान में रख लें कि इंग्लिश में हम आ और द और एन के जिस तरह के आर्टिकल्स यूज़ कर रहे होते हैं, चाइनीज़ में एक चीज़ है मैग्नीफाइंग मेजर वर्ड्स, मेजर वर्ड्स, तो दिस इज़ वन ऑफ द मेजर वर्ड्स। किसी भी नाउन के साथ कोई एक मेजर वर्ड आएगा, शू बुक के लिए बन है, ना बन शू, विच बुक, ना बन शू, नागरन। दोस्तों देखें पहले में शू किताब के लिए मेजर वर्ड आया बन, दूसरे में रन, रन मीन्स पर्सन, उसके लिए आया ग, इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप चंद सेंटेंसेस बार बार पढ़ेंगे सुनेंगे ये सारी चीज़ें आपको हिप्स हो जाएंगी, ना ग रन विच पर्सन, नाश नीश नागवरन, नागवा विच कंट्री, नागवरन विच कंट्री पर्सन, नीश नागवरन यू आर विच कंट्री पर्सन, और सिंपली वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ के हैं, नीश नागवरन, आप कौन से मुल्क के हैं, नीश नागवरन। दोस्तों ग्रामर में नेक्स्ट पॉइंट है द, द का इस्तेमाल सेंटेंसेस में देखते हैं, उर्दू में लिखा हुआ है कि मुसाफर किसी का, किसी का मुसाफर मेरी किताब और आपकी किताब, सो वो द नी द सेंटेंसेस आ रहे हैं सामने, ली वे श व द लाउश, व द लाउश माय टीचर, ली वे श व द लाउश, ली वे इज माय टीचर, ज श व द शू, ज श व द शू, दिस इज माय बुक, शू मीन्स बुक, इंग्लिश का शू न समझें, ताबू श व थोंग शुए, ताबू श व थोंग शुए, शी इज नॉट माय, शी इज नॉट माई क्लास फेलो। दोस्तों अब इस सेंटेंस में द गायब हो गया, इसकी क्या वजह है, दिस इज ऑल्सो फॉर डिस्कशन। देखें द कहाँ पे यूज करेंगे और कहाँ पे हम इसे ओमिट कर सकते हैं, यानी कि द के बगैर भी हमारा काम चल सकता है। फर्स्ट सेंटेंस ली वे श व द लाउश, लाउश के साथ द यूज हुआ, व द लाउश। द सेकेंड वन इज ज श व द शू, एंड द थर्ड वन इज ताबू श व थोंग शुए। दोस्तों मैं अगर आपसे पूछूं कि फर्स्ट सेकेंड में कोई फर्क है, यानी कि लाउश कोई इंसान है टीचर, एंड शू ये बुक है, इंसान नहीं है बल्कि कोई चीज है, तो अब देखें जहां पे इंसान की बात आ रही है कि लाउश मीन्स टीचर एंड तोंगशुए मीन्स क्लास फेलो, ये दोनों इंसान हैं, तो यहाँ पे हम द को ओमिट कर सकते हैं। अगर हम ये सेंटेंस बगैर द के बोलें फिर भी सही है, ली युएश व लाउश एंड ताबू श व तोंगशुए, दोनों द के बगैर सही हैं। लेकिन ये जो बीच का सेंटेंस है शू किताब के बारे में, इसे हम द के बगैर नहीं पढ़ सकेंगे।
दिस इज अ वर्ड यूज फॉर पोजेशन, का के की के लिए यूज होता है. थैंक यू सो मच. दिस इज द एंड ऑफ आवर दिस वीडियो. सी यू रियल सून. अल्लाह हाफिज.